नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। देश में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, मगर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 67,597 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,23,39,611 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या 27 दिन बाद 10 लाख से कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड 19 से 1,188 और लोगों की मौत के बाद संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,04,062 हो गई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 9,94,891 रह गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.35% है। पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,14,047 की कमी दर्ज की गई। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 96.46% है। देश में अभी तक कुल 4,08,40,658 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और कोविड 19 से मृत्यु दर 1.19% है। वहीं राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड 19 रोधी टीकों की 170 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मौत के 1,188 मामले सामने आए। इनमें से केरल में 860 और कर्नाटक में 49 मामले सामने आए। केरल सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि राज्य के सामने आए मौत के 860 मामलों में से 14 पिछले 24 घंटे में सामने आए, 113 पिछले कुछ दिनों में सामने आए थे लेकिन दर्ज नहीं हो पाए थे। वहीं मौत के 733 मामलों को केंद्र तथा उच्चतम न्यायालय के नए दिशा निर्देशों के आधार पर कोविड 19 से मौत के मामलों में जोड़ा गया। आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक कुल 5,05,062 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,43,098, केरल के 59,115, कर्नाटक के 39,396, तमिलनाडु के 37,772, दिल्ली के 25,998, उत्तर प्रदेश के 23,330 और पश्चिम बंगाल के 20,852 लोग थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक जिन लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है उनमें से 70% से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थी। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है।